सवाल नंबर 13 देखिए, इसमें ए नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक्स बराबर एक पर पी एक्स बराबर 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुपद में चर एक्स है और एक्स का एक विशेष मान दिया है एक, तो कह रहा है कि इस बहुपद का मान क्या होगा जब इस चर का मान हम एक रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सवाल को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखिएगा कि दिया है पी एक्स बराबर 5x² - 3x + 7, ठीक है, ये दिया हुआ है एक्स बराबर एक पर, यानी इस बहुपद में एक्स का मान हम एक रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आएगा से निकालना है। तो पी वन बराबर 5×1² - 3×1+7, 5 1 का स्क्वायर कितना होगा एक होगा, माइनस 3 में एक से गुना करेंगे 3+7, 5 में एक से गुना किए 5 हो गया, माइनस 3+7, 7 और 5 12, माइनस 3, 12 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यानी ए नंबर जो सवाल है इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। देखिए इसमें y बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है, इस पर qy बराबर इतना दिया हुआ है बहुपद, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर बी इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिखेगा दिया है qy बराबर 3yq - 4y + √11, दिया हुआ है बहुपद। अब क्या करेंगे कि इस बहुपद में y का मान हम रखेंगे 2, ठीक है, तो इस बहुपद का मान कितना आता है से निकालना है। यहाँ देखिए y बराबर 2 पर q2, y की जगह पर क्या रख दिए, 2 रख दिए, 3 गुना y, y का मान 2 रखेंगे, 2 का होल क्यूब, -4×2+√11। तीन गुना 2 का होल क्यूब, यहाँ देखिए 2×2×2, 2×2=4, 4×2=8, -4×2=8+√11, 8 + 24 -8+√11, 24 में 8 को घटा देंगे तो 16 बचेगा +√11, यानी कि इस बहुपद में y का मान 2 रखे तो बहुपद का मान कितना रहा है, 16+√11, यही आंसर हो जाएगा आपका। सवाल नंबर सी देखिए, इसमें t बराबर a दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुपद देखिए, ये बहुपद जो है t चर में है और t का मान दिया हुआ है a, तो कह रहा है इस बहुपद का मान जो है क्या होगा से बताइए। यहाँ देखिए सी नंबर सवाल को हम हल करते हैं, लिखिएगा कि दिया है, जो बहुपद दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, यहाँ पे pt बराबर 4t⁴ + 5t⁴ - t²+6। अब देखिए t का मान हम रखेंगे कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, यानी t की जगह पर हम क्या रखेंगे, a, तो हो जाएगा पी ए बराबर 4×t, t की जगह पर a रखेंगे तो 1×4+5×t, t की जगह पर a रखेंगे 1×3−a²+6, 4×a⁴ है तो क्या हो जाएगा, ये 1×4+5×a³ है, यानी हो गया aq−a²+6, 4 में a⁴ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4×a⁴ प्लस इसमें इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 5a³−a²+6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर डी देखिए, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ लिखिएगा दिया है पी एक्स बराबर, यानी बहुपद जो दिया हुआ है इसको लिखिए पहले, 5x³−2x² + 3x - 2, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर 0, यानी इस बहुपद में एक्स का मान 0 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आएगा से पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेगा कि जब एक्स बराबर 0,
इस बहुपद में x का मान हम जीरो रखेंगे तो देखिए क्या होगा, पी जीरो बराबर 5 × 0³ - 2 × 0² + 3 × 0 - 2। जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे हम क्या रख दिए, जीरो रख दिए। 5 × 0 = 0 - 2 × 0 + 3 × 0 = 0 - 2। 5 × 0 = 0 - 2 × 0 = 0 + 0 = 0 + 0 = 0 देखिए प्लस माइनस से सब कट गया, ऐसे भी जीरो को जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो बचेगा क्या, -2। तो पी जीरो निकाले तो क्या आया, -2 आया। अब देखिए एक्स का मान एक रखेंगे, यहाँ लिखिए कि जब एक्स बराबर एक हो तो क्या होगा। यहाँ देखिए अब निकालेंगे पी वन बराबर, ठीक है, अब एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो हो जाएगा 5 × 1³ - 2 × 1² + 3 × 1 - 2। 5 × 1³ होता है -2 × 1² होगा, प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 - 2। 5 में 1 से गुना किए 5, -2 में 1 से गुना किए 2, +3 - 2। 5 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। -2 - 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो 8 में से 4 चलेगा, कितना बचेगा, 4। ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए एक्स का मान कितना रखना है, -1 रखना है। इस बहुपद में चर एक्स का जो मान है हम रखेंगे -1, तो इस बहुपद का मान कितना आता है से देखिए, यहाँ लिखिए कि जब एक्स बराबर -1 हो तो, ठीक है, ये बहुपद को पहले यहाँ लिखिए, पी एक्स बराबर 5x³ - 2x² + 3x - 2। ये बहुपद है, इस बहुपद में x का मान हम कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, तो हो जाएगा p − 1 = 5 × −1² - 2 × −1² + 3 × −1 और क्या है, -2। देखिए 5 × 1³ होता है, और देखिए माइनस को अगर तीन बार गुना करिएगा तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस है तो −2 × −1² क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए −1 में −1 से गुना करेंगे तो −1 प्लस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ −−1 हो गया, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और क्या है, -2 है। 5 में −1 से गुना करेंगे −5, −2 में 1 से गुना करेंगे −2, यह है −3 और −2। अब सबको जोड़ दीजिए, सब माइनस में है, सब जुट जाएगा, यानी 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, 10 × 2 = 12, यानी −12 जो है आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों का मान निकालें। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला में बहुपद दिया हुआ है px = x³, ठीक है, और इस बहुपद में चर क्या है, एक्स, एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है 0, 1, 2, यानी इस बहुपद में एक्स का मान 0 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा, से निकालना है, फिर 1 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होगा, फिर 2 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होगा, इस तरह से आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, फर्स्ट सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखिएगा कि दिया है, जो बहुपद दिया हुआ उसको पहले आप लिख लीजिए, px बराबर दिया हुआ है x³, ठीक है, और इसमें x = 0, यानी इस बहुपद में x का मान 0 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होगा, से निकालना है। तो यहाँ देखिए लिखिएगा, जब x = 0 हो तो, इसमें देखिए p₀ = x, x की जगह पर 0 रखेंगे, 0³, 0³ कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, तो x का मान 0 रखे इस बहुपद में तो बहुपद का मान क्या आया, 0, ये पहला आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ लिखेगा कि जब x = 1 हो तो, यहाँ देखिए 1 दिया हुआ है तो p₁ = x की जगह पर 1 रख दिए, x³ है यानी 1³, 1³ कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका 1 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ लिखेगा कि जब x = 2 हो तो, यानी कि उस बहुपद में x का मान हम 2 रखेंगे तो क्या होगा उस बहुपद का मान, यहाँ देखिए बहुपद दिया हुआ है px = क्या दिया हुआ है,
एक्स क्यू, तो एक्स के जगह पर हम रखेंगे दो, तो हो जाएगा दो का होल क्यू। दो का होल क्यू कितना होता है, यहाँ देखिए दो गुना दो गुना दो, दो दुनिका चार, चार दुनिका आठ, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल एक नंबर को हम सॉल्व कर दिए, उसी प्रकार इसको भी करना है और इसको भी करना है। चलिए हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। दो नंबर सवाल देखिए, यहाँ लिखिएगा कि दिया है, जो बहुपद दिया हुआ है उसको पहले यहाँ लिख लीजिए, पी एक्स बराबर पाँच एक्स माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस तीन, ठीक है। अब देखिए इस बहुपद में एक्स का मान हम जीरो रखेंगे तो बहुपद का मान कितना आएगा, से देखिए पी जीरो बराबर पाँच गुना जीरो माइनस चार गुना जीरो का होल स्क्वायर प्लस तीन। पाँच में जीरो से गुना किए जीरो, माइनस चार गुना जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस तीन, जीरो माइनस चार में जीरो से गुना करेंगे जीरो प्लस तीन, ये कट गया, बचा कितना तीन, यानी पी जीरो बराबर तीन, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर दो पर, देखिए जीरो जब रखे इस बहुपद में चार एक्स का मान, तो बहुपद का मान कितना आया, तीन आया। अब हम क्या रखेंगे, दो रखेंगे एक्स का मान, यहाँ देखिए एक्स बराबर दो पर क्या हो जाएगा, पी टू बराबर पाँच गुना दो माइनस चार गुना दो का होल स्क्वायर प्लस तीन, पाँच दूनी का दस माइनस चार गुना दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है, प्लस तीन, दस माइनस चार चक सोलह प्लस तीन, दस और तीन कितना होता है तेरह, माइनस क्या है सोलह, तो माइनस सोलह में तेरह को जोड़ दीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस तीन बचेगा, यानी पी टू का मान कितना आया, माइनस तीन, यही आंसर हो गया। सवाल नंबर तीन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए कि दिया है, जो बहुपद दिया हुआ उसको पहले यहाँ लिखेंगे, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब देखिए कि y का मान दिया हुआ है जीरो, यहाँ दिया हुआ एक, यहाँ दिया हुआ दो, यानी इस बहुपद में चार y का मान जीरो रखेंगे तो बहुपद का मान कितना होगा से आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए लिखिएगा कि जब y बराबर जीरो हो, ठीक है, इस बहुपद में y का मान जीरो अगर हम रखेंगे तो बहुपद का मान कितना था, इसे देखिए, p जीरो बराबर जीरो का होल स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस जीरो प्लस वन, ये प्लस माइनस कट गया, कितना बचा, एक बचा, ठीक है। यानी इस बहुपद में चर वाई का मान हम जीरो रख रहे हैं तो इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब वाई बराबर एक हो, ठीक है, तब इस बहुपद का मान कितना होगा, तो पी वन बराबर वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, एक का स्क्वायर एक माइनस एक प्लस वन, प्लस माइनस कट गया तो पी वन का मान कितना आया, एक आया। अब यहाँ देखिए लिखेगा कि जब वाई बराबर दो हो तो पी टू बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो दो का होल स्क्वायर माइनस दो प्लस वन, दो का स्क्वायर चार होता है माइनस दो प्लस वन, चार और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाँच, और माइनस क्या है दो, तो पाँच में से दो घट जाएगा, कितना बचेगा, तीन, यही आंसर हो गया। सवाल नंबर पंद्रह देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा टू एक्स प्लस फोर, तो पी टू निकाले, ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ है तो इस बहुपद में हमको क्या करना है कि चार जो एक्स है इसका मान हम दो रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आएगा से निकालना है। देखिए सब प्रश्न जो देख रहे हैं सब एक ही टाइप का प्रश्न है, जैसे इसको हम बनाएंगे उसी प्रकार ही सबको बनाएंगे, ठीक है। तो पहले पंद्रह नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेगा कि दिया है, जो बहुपद दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू एक्स प्लस फोर। देखिए पी टू निकालना है, यानी कि एक्स बराबर दो पर इस बहुपद में एक्स का मान हम दो रखेंगे, तब पी टू बराबर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर है यानी कि दो का होल स्क्वायर माइनस एक बटा दो इंटू एक्स, एक्स की जगह पर दो रखेंगे प्लस चार, दो का स्क्वायर चार होगा माइनस दो से दो देखिए कट गया, बचा कितना, एक, प्लस चार, चार चार आठ माइनस वन, आठ में एक घट जाएगा कितना बचेगा, सात,
यानी पी टू का मान क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखिए 16 नंबर सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें निकालना है Q4, यानी कि y जो है y चर बहुपद में है, इसके जगह पर हम 4 रखेंगे y के जगह पे, तो इस बहुपद का मान कितना आएगा से पूछ रहा है। यहाँ देखिए 16 नंबर सवाल, यहाँ लिखिएगा कि दिया है, जो बहुपद दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए QY बराबर YQ प्लस 2Y² प्लस Y माइनस 4। अब देखिए Y बराबर 4 पर, क्योंकि Q4 निकालना है। अब देखिए Q4 बराबर Y की जगह पर आप 4 रख दिए, जहाँ जहाँ Y है इसके जगह पर 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का होल क्यू प्लस 2 गुना 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। देखिए 4 का होल क्यू है, यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चक 16, 16 चौके 64 प्लस 2 गुना 4 का होल स्क्वायर, 4 चक 16 होता है, प्लस 4 माइनस 4। यहाँ देखिए 64 प्लस 2 में 16 से गुना करेंगे 32 प्लस 4 माइनस 4, ये प्लस 4 माइनस 4 कट गया, तो 64 और 32 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 96 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः Q4 बराबर 96 आंसर। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, अतः P2 बराबर 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखिए, ये बहुपद दिया हुआ है और निकालना है P2, यानी 4 इसमें T है, T के जगह पर 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आएगा, से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, जो बहुपद दिया हुआ उसको लिख लेंगे यहाँ पे, PT बराबर 4 T^3 - 50। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि T बराबर 2 पर, क्योंकि हमें P2 निकालना है, यानी T का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे इस बहुपद में, तो P2 बराबर 4 गुना T, T की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का होल क्यू - 50, 4 गुना 2 का होल क्यू होता है 8 - 50, 4 32 - 50। देखिए -50 में 32 को जोड़िएगा तो क्या होगा, -18 होगा। यहाँ लिखिए, अतः P2 बराबर -18, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 देखिए, ये बहुपद दिया हुआ है और इसमें क्या करना है, f-2 निकालना है, यानी कि इस बहुपद में चर x है, x का मान -2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा से। यहाँ देखिए 18 नंबर सवाल, इसमें जो दिया हुआ है बहुपद उसको पहले लिखिए, f(x) बराबर दिया हुआ है x³ + 7। देखिए यहाँ लिखिए x - 2 पर, क्योंकि हमें f-2 निकालना है। ठीक है, तो f-2 बराबर, देखिए जहाँ जहाँ x है उसके जगह आप क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, यानी -2 का होल क्यू + 7, -2 का होल क्यू, यहाँ देखिए -2 गुना -2 गुना -2, -, प्लस, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 8, तो -2 का होल क्यू कितना हुआ, -8 + 7, इसमें इसको जोड़िएगा तो -1 होगा। यहाँ लिखिए, अतः f-2 बराबर -1, यही आंसर हो जाएगा।